संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। जो राजीव आवास योजना में 1,05,000 आवास सैंक्शन हुए उसमें से केवल 4,000 बन पाए, लेकिन 2014 से अब तक हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिला के आपने 4 करोड़ घर सैंक्शन कर दिए हैं। 2014 में 18,000 से ज्यादा गांव में बिजली नहीं थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी आपने भारत के सभी 6,50,000 गांव में पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दी है। इन सभी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में महिला सशक्तिकरण पर मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, जैसे उज्ज्वला के अंतर्गत नए एलपीजी कनेक्शन या आवास योजना के अंतर्गत नया घर, इन सभी की लाभार्थी महिलाओं को बनाया गया है। इस क्रम में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ ग्रामीण महिलाएं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आज चंद्रपुर में बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनने की ऑलरेडी बात कर रही हैं। इस योजना में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनने की ऑलरेडी बात कर रही हैं। इस योजना में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस प्रकार का कौशल प्रदान किया जाएगा जिससे छोटे उद्यम शुरू करके प्रति परिवार कम से कम 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष की आय अर्जित कर सकें, जैसे कि प्लंबिंग, टेलरिंग, बुनाई, ड्रोन ऑपरेशन, एलईडी बल्ब बनाना आदि। लखपति दीदी के तहत पिछले मात्र 4 महीने से 2,00,000 के अधिक बनाने का लाभ उठाया ऑलरेडी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि कार्यों में सहायता के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग और लोन भी दिया जाएगा। ये स्कीम महिला सशक्तिकरण, आर्थिक समावेश एवं तकनीक का अनूठा संगम है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लोगों को मौके पर लाभ देने के लिए देश के सभी 6,50,000 गांव में और 5,000 शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 3,200 से अधिक वैन्स के माध्यम से लगभग 65,000 ग्राम पंचायत और शहरों तक पहुंच चुकी है। छोटे से समय में ही 2,50,00,000 लोग इससे जुड़ चुके हैं और अब तक 1,80,00,000 लोगों ने भारत को विकसित करने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपना अनुभव शेयर भी किया है। प्रधानमंत्री जी, 2047 में जब देश विकसित होगा तो वे विभाजन के भी 100 वर्षगांठ होगी। देश ने विभाजन की पीड़ा 76 साल पहले देखी थी। आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो पीड़ा देखने पर रही, पर जब कुछ लोग देश की जाति, भाषा, नॉर्थ साउथ, धर्म की संस्कृति का के आधार पर बांटने के प्रयास करते हैं, ये बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा नेशन फर्स्ट का नारा दिया और आज आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष के एक सूत्र में पिरो रही है। पूरे देश के लोग आज इस सपने से जुड़ गए हैं और उसे पूरा करने में
अपना योगदान दे रहे हैं। इसी का एक रूप है कि आज देश का युवा माई भारत ऐप पर भी जोर शोर से जुड़ रहा है। विकसित भारत बनाने का जो 2047 तक का सफर है, उसे सफल बनाने की गारंटी का नाम है नरेंद्र मोदी। बताता हूं क्यों। कोई देशवासी छूट ना जाए, ये चिंता थी मोदी जी की। यात्राओं के तो बहुत लोग करते हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, लेकिन अपने फायदे के लिए करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को फायदा दिलवाने के लिए है। भाइयों और बहनों, सरकार आपके द्वार लिए लाए है मोदी जी। जिन अफसरों से मिलने के लिए पहले